प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय आज प्राणी शास्त्र के इस व्याख्यान में परिवर्धन जैवकी का अगला विषय विदलन, जिसे अंग्रेजी में क्लीवेज कहते हैं, आज का व्याख्यान अपना इस क्लीवेज पर रहेगा। हमने दोनों गैमिट्स द्वारा, फर्टिलाइजेशन द्वारा जाइगोट का निर्माण के होने की प्रक्रिया अब तक पढ़ी थी। अब हम उससे आगे होने वाले विकास के बारे में सर्वप्रथम क्लीवेज का अध्ययन करेंगे। क्लीवेज जाइगोट में होने वाले क्रमबद्ध समसूत्रीय विभाजन को कहते हैं, अर्थात अगर अंग्रेजी में इसकी परिभाषा देनी हो तो क्लीवेज इज द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विच कन्वर्ट्स द सिंगल सेलुलर जाइगोट इंटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, अर्थात क्रमबद्ध समसूत्रीय विभाजन जाइगोट में, जो कि एक कोशिकीय होता है, और इन समसूत्रीय विभाजनों द्वारा यह बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर बनता है। नीचे दिए गए डायग्राम अनुसार ये जाइगोट एक कोशिकीय होता है, उसके बाद में इसमें समसूत्रीय विभाजन दूसरे दिन दिखाया गया है, जिसके अंदर दो कोशिकीय हो गया, फिर तीसरे दिन चार कोशिकीय व आठ कोशिकीय समसूत्रीय विभाजन द्वारा हो गया, और चौथे दिन ये 16 कोशिकीय हो गया, और इस 16 कोशिकीय ठोस ब्लास्टोमियर युक्त इस स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं, और पांचवे दिन ब्लास्टोसाइट बन गया, जिसके अंदर बाहर की ओर लाल रंग में जो मैंने दर्शाए हैं वो तो ट्रोफोब्लास्ट बन जाते हैं, और जो हरे में अंदर की ओर धसे हुए हैं ये इनर सेल मास बन जाता है, और बीच में जो स्पेस दिख रही है वो ब्लास्टोसील बन जाती है, और ब्लास्टुला का निर्माण इस प्रकार अगली अवस्था का होता है। इस विदलन को दो शब्द और इसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसे खंडी भुवन, अंग्रेजी में सेगमेंटेशन, या कोशिका भुवन, सेलुलेशन भी कहते हैं। विदलन में जाइगोट का विखंडन तथा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे खंडी भुवन व कोशिका भुवन भी कहा जाता है। अगर मैं क्लीवेज के इतिहास की बात करूं, तो सर्वप्रथम यह शब्द क्लीवेज का प्रयोग कार्ल वॉन बीयर ने किया था, जो मैंने मोरूला के अंदर आपको शब्द काम में लिया ब्लास्टोमियर, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ब्लास्टोस जिसका मतलब होता है जर्म, हिंदी में जनन, मीरोज का अर्थ है पार्ट्स, अंग, जर्म पार्ट्स या जनन अंग, ये ब्लास्टोमियर्स होते हैं। सेमरडैम ने 1738 में मेंढक में, स्प्लेंजली ने 1780 में टोड में, और 1824 में प्रिवोस्ट और ड्यूमास ने मेंढक में विदलन का विस्तृत अध्ययन किया। इसी प्रकार खरगोश के अंदर सर्वप्रथम विदलन का अध्ययन 1838-39 में हुआ, और पक्षियों के अंडों में विदलन का अध्ययन 1847 में किया गया। विद्यार्थियों, मैंने शब्द काम में ऊपर लिया है परिभाषा में
क्रमबद्ध समसूत्रीय विभाजन। इस शब्द को और स्पष्ट करने के लिए मैं विदलन में और सामान्य समसूत्रीय विभाजन में क्या अंतर है वो एक बार आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। इस चित्र में अपने को विदलन और सामान्य समसूत्रीय विभाजन इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में अपन जानेंगे। दो विदलन के मध्य अंतर अवस्था जिसे इंटरफेस कहते हैं छोटी होती है, जबकि सामान्य माइटोसिस के अंदर यह इंटरफेस अवस्था बहुत लंबी होती है। ये जो ब्लास्टोमियर्स है इनके आकार में वृद्धि नहीं होती। समसूत्रीय विभाजन में उत्पन्न पुत्री कोशिकाएं वृद्धि दर्शाती है, जबकि विदलन में ऐसा नहीं होता। केंद्रक कोशिका द्रव आयतन का अनुपात लगातार बढ़ता जाता है, यहाँ स्थिर रहता है। अन्य प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ तुलना में डीएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है, यहाँ सभी प्रोटोप्लाज्मिक संगठनों का समान अनुपात में संश्लेषण होता है। विदलन विभाजन तीव्र होता है, समसूत्रीय विभाजन सिंक्रोनस होता है। विदलन के साथ O2 की खपत बढ़ जाती है और यहाँ O2 की खपत क्षणिक परिवर्तन होती है। विदलन की प्रारंभिक ये विभाजन की भ्रूणीय अर्ली एम्ब्रियो में होता है, जबकि समसूत्रीय विभाजन मैच्योर एम्ब्रियो में या वयस्क जंतुओं के अंदर होता है। तो ये सात प्रकार की अपन ने इन दोनों विदलन में और सामान्य समसूत्रीय विभाजनों में अंतर, इसको स्पष्ट होने से अपने को विदलन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अगला अपना है, ये जो विदलन है क्लीवेज, इसके मुख्य लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। इसको मैंने संक्षेप में सरल भाषा में आपके लिए लिखा है, ये आपको पीडीएफ के रूप में काम आएंगे। इनका सहारा लेकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुख्य लक्षण है, विदलन भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था होती है, यह निषेचन के तुरंत बाद शुरू होती है। भ्रूण का आकार व आकृति में परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होता। विदलन से उत्पन्न ब्लास्टोमियर्स का आकार लगातार घटता जाता है, क्योंकि इन ब्लास्टोमियर्स की संख्या बढ़ती जाती है। चौथा, विदलन में दो विभाजन के बीच जो इंटरफेस अवस्था होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये द्रुत गति से होने वाला समसूत्रीय विभाजन होता है। पांचवा, विदलन के प्रारंभ में केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात बहुत कम होता है, जो विदलन के दौरान अनुपात निरंतर बढ़ता रहता है। छठा, विदलन के दौरान ऑक्सीजन की खपत की दर बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत बढ़ जाती है, इसके कारण O2 की खपत भी अधिक हो जाती है। सातवां, अधिकांश प्राणियों में विदलन का दर का निर्धारण अंडाणु में संग्रहित मैसेंजर आरएनए व प्रोटीन द्वारा किया जाता है। आठवां, विदलन दर पित्त की मात्रा पर भी निर्भर रहता है। अगला, प्रारंभिक विदलन विभाजन तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस होता है, जबकि बाद का
अनियमित, एसिंक्रोनस या इरेगुलर हो जाता है। एम्ब्रियो में संग्रहित खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल को सक्रिय कोशिका द्रव में परिवर्तित किया जाता है, जिससे डीएनए, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आखिरी विदलन द्वारा उत्पन्न ठोस बहुकोशिकीय संरचना को तूतक मोरुला कहते हैं। मोरुला एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में मलबरी और हिंदी में शहतूत। मोरुला सभी जातियों के प्राणी में नहीं पाया जाता। मोरुला में गुहा का निर्माण होने पर इसे कोरक ब्लास्टुला कहते हैं, अर्थात अगली स्टेज जो होती है ब्लास्टुलेशन की होती है। ऐसा माना गया है कि ये निषेचन के तुरंत बाद और इसकी अवधि गैस्ट्रुलेशन तक चलती है ये क्लीवेज की। तो क्लीवेज शुरू होता है निषेचन के तुरंत बाद और अंत होता है गैस्ट्रुला में। आज इतना ही। अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लीवेज और उसके सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज पर रहेगा। धन्यवाद।